हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम बनाने वाले हैं बेसन लड्डू। आप देख सकते हो कितने मीन्स अच्छे बने हैं और बहुत ही दानेदार ये लड्डू बने हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ पे मैंने इस बाउल के हिसाब से एक बाउल बेसन लिया है, मीन्स बेसन आटा। अगर आप कप यूज़ करते हो तो यहाँ पे इस कप के हिसाब से मैंने 2 कप ये बेसन यूज़ किया है यहाँ पे। और वैसे ही सेम बाउल है मेरा और वहाँ पे मैंने पिसी हुई शक्कर ली है। और यहाँ पे शक्कर तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। और जो घी है, यहाँ पे घी का मेजरमेंट आपको ऐसे करना है, 2 कप अगर आप आटा लेते हो तो 1/2 कप से कम घी लेना है। और 1/2 टेबल स्पून इलायची पाउडर, गार्निशिंग के लिए मैंने पिस्ता यूज़ किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले कढ़ाई गरम कर लेना है थोड़ा सा, और उसमें वो जो आटा था वो आटा डाल लेना है। और यहाँ पे हमें लो गैस पे ही जो आटा है भूनना है, और हमें जो घी है एक साथ नहीं डालना है यहाँ पे, इंस्टॉलमेंट में मीन्स थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अभी यहाँ पे मैंने 2-3 चम्मचे पहले डाल दिए हैं, तो 2-3 चम्मचे डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स थोड़ा मिक्स हो जाते ही इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होते जाता है। अभी यहाँ पे देख सकते हो, फिर से आप 1 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून जितना भी आप घी यूज़ करने वाले हो वो थोड़ा थोड़ा करके आप डाल सकते हो इसमें। और याद रखना, लो ही गैस पे हमें बेसन के लड्डू बनाने हैं, वरना ये बहुत जल्दी काल जो बेसन है वो ब्राउन हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा करके जो घी है सब इसमें डालना है। और एक चीज़, जैसे भी मैंने यहाँ पे शुगर जो है, जो पिसी हुई शक्कर है, यहाँ पे मैंने थोड़ी ज़्यादा दिखाई है। बहुत सारे लोग हैं जो मीठा खाना पसंद करते हैं, बट इतनी पिसी हुई शक्कर में यूज़ नहीं करने वाली इसमें मैं। मेरे हिसाब से ही डालूँगी। अगर मैं थोड़ा डाल के पहले चेक करूँगी कि मीठा बना है या नहीं, अगर बना है तो मैं उसमें जो बचा हुआ शक्कर है, मीन जो पिसी हुई शक्कर है, मैं वो नहीं डालूँगी इसमें। और इसमें अभी आप देख रहे हो लाइक इसका कलर भी ऑलमोस्ट चेंज हो गया है, और जो आटा है मॉइस्चर थोड़ा थोड़ा करके छोड़ रहा है यहाँ पे। अभी ऑलमोस्ट हमारा घी भी ख़त्म हो गया है, मीन्स इसमें जो हमने मेजरमेंट करके लिया था घी, ये पूरा हो गया है। घी ने मीन्स आटे ने सारा उसका मॉइस्चर छोड़ दिया है यहाँ पे। और जो आटा है थोड़ा सा लाइक अच्छे से हो गया है तैयार ऑलमोस्ट। और यहाँ पे आप फाइनल देख सकते हो, जो आटा लिया था और जो लास्ट फाइनल आटा है यहाँ पे कंपैरिजन। और उसे वो आटा जो है एक प्लेट में निकाली, या फिर किसी और अगर आप यूज़ करते हो कोई पतीला या फिर जो भी है उसमें निकालो, और थोड़ा ठंडा होने तक थोड़ा वेट करना। थोड़ा ठंडा होने के बाद इसमें जो इलायची पाउडर है वो डालना है, और जो पीसी हुई शक्कर थी वो भी ऐड करना है। यहाँ पे मैं पहले ही बताया जैसे मैं थोड़ा यूज़ करूँगी पहले। अब आटा और जो पीसी हुई शक्कर उसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। जैसे ही पूरा मिक्स हो जाए एक बार आप टेस्ट करके देख लेना, अगर टेस्ट मीन्स कैसे शक्कर कम है तो ज़्यादा आप डाल सकते हो थोड़ा। और यहाँ पे आप एक बार बना के देख सकते हो लड्डू बन रहा है नहीं। तो अभी हमारा लड्डू बन रहा है, तो हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। शेप आप आपके हिसाब से बना सकते हो। आप कोई कोई राउंड बनाता है और कोई कोई और एक अलग शेप होता है। अभी जैसे चकली वाला जो क्या बोलते हैं उसे, लाइक चकली बनाने का जो साँचा होता है उसके अंदर भी कोई कोई बेसन लड्डू उस शेप में बनाता है। तो अभी मैं यहाँ पे राउंड शेप में ही बनाने वाली हूँ सारे लड्डू। और ऑलमोस्ट हमारे सारे लड्डू तैयार हैं। और यहाँ पे जो मैंने पिस्ता लिया था गार्निशिंग के लिए, आप पहले भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको पसंद है। यहाँ पे मैं सिर्फ गार्निश करने वाली हूँ इसे, अंदर मैंने तो डाला नहीं है। और ये बाद में अगर थोड़ा जैसे बन जाता है लड्डू, मीन्स क्या बोलते हैं, स्टेबल हो जाता है थोड़ा ठंडे होने के बाद, तो शायद से निकल भी जाता है अगर आप ज़्यादा अच्छे से प्रेस नहीं करते हो। तो आप देख सकते हो कितने दानेदार बने, एक नंबर। गाइज, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।